बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 3 टाइप्स ऑफ बारबेक्यू लगाएंगे। चिकन टिक्का लगाएंगे, चिकन मलाई बोटी लगाएंगे और बीफ टिक्का बोटी लगाएंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। 1.5 किलो मैंने बीफ लिया था, इसकी छोटी छोटी बोटियाँ करके धो के साफ़ कर लिया। और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने हरी मिर्च और 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैंने पपीता लगाया। पपीता मेरे पास थोड़ा सा पका हुआ था तो इसलिए कम लगाया, जल्दी गला देता है वरना बोटियाँ फिर टूट के गिरने लगती हैं। अगर आपके पास कच्चा हो तो आप 3 टेबल स्पून भी लगाएं और 1-1.5 घंटा पहले चेक कर लें उसको कि गला है, नहीं तो और लगा लें मज़ीद। अभी देखें, 200 ग्राम मैंने दही लिया है, 250 ग्राम है बल्कि 250 ग्राम दही लिया है, इसको फेंट लिया। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक हसबे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया इसके अंदर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकते हैं और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख दें या 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इसको आप रख दें ताकि मसाला बहुत अच्छे तरीके से अंदर जज्ब हो जाए, वरना बोटियाँ आपकी फीकी फीकी रहेंगी और मज़ेदार मसाला मैरिनेट नहीं होगा। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से मसाला इसको मैरिनेट करके रखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब दूसरी रेसिपी देखें। 1 किलो मैंने बोनलेस लिया, इसको हम सिरका पाउडर 1 टेबल स्पून और नमक लगा के इसको हम थोड़ा सा अच्छे से धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे ताकि चिकन अच्छे से साफ़ हो जाए। इसके अंदर 200 ग्राम फिटा हुआ दही ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, या हम मलाई बोटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको मैरिनेट कर रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें 1 टीस्पून और 2 टेबल स्पून के अंदर में हरी पिसी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने वाइट पेपर ऐड किए और नमक ऐड कर रही हूँ हसबे ज़रूरत। और इसके अंदर क्रीम जाएगी तकरीबन 100-150 ग्राम के करीब, क्योंकि मलाई बोटी बना रहे हैं तो इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे ताकि मसाला बहुत अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए इसके अंदर। कम से कम आप 10 से 12 घंटे के लिए इसको ज़रूर रखें, वरना ओवरनाइट रख दें इसको। ये देखें, 2 किलो चिकन है ड्रम स्टिक्स, इसको मैंने कट लगा लिए और धो के अच्छे से साफ़ कर लिया इसको। अब हम इसकी मैरिनेशन बनाएंगे। 250 ग्राम दही लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर गया है इसके अंदर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर गया मोटा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च गई है, काली मिर्च गई है इसमें 1 टीस्पून और 2 टेबल स्पून इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला और 1 टीस्पून इसके अंदर हरी मिर्च पिसी हुई और 1 लेमन जूस इसके अंदर स्क्वीज कर रही हूँ मैं। लेमन जूस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चिकन क्योंकि बहुत ज़्यादा फीकी होती है तो इसलिए इसके अंदर लेमन जूस डालें, इससे मैरिनेट भी बहुत अच्छा होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अभी हमने इसके अंदर कलर नहीं डाला है क्योंकि टिक्का मसाला ऐड किया उसमें ऑलरेडी कलर होता है, चेक कर लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अगर आप टिक्का मसाला नहीं डालें, ऑप्शनल है, तो इसी मसालों को थोड़ा सा बढ़ा दें और इसके अंदर फूड कलर लाजमी थोड़ा सा 1 पिंच के करीब ऐड करें। देखिए, इस तरह से खूब अच्छी तरीके से इसको आप मैरिनेट कर दें ताकि जो हमने कट लगाया है मसाला उसमें अंदर बहुत अच्छी तरीके से चला जाए। थोड़ा सा मैं इसके अंदर फूड कलर और ऐड कर रही हूँ 1 पिंच, ताकि जो है इसका कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए, थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे। और इसको भी हम 10 से 12 घंटे के लिए हम रात में लगाएंगे, तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं तो मैं इसको आराम से मैरिनेट करके मुझे 10 to 12 आवर्स मिल जाएंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। नहीं तो आप ओवरनाइट भी करके रख सकते हैं और दूसरे दिन आप शाम में भी लगा सकते हैं,
बहुत, जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे उतना अच्छा होगा। ये देखें मलाई बूटी, अब हम सबसे पहले मलाई बूटी कर रहे हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। बहुत ही मज़े की बनती हैं ये, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मसाले भी आप एक दफ़ा ज़रूर उसको जब आप लगाने लगें तो नमक मिर्च इसका ज़रा सा आप इसको टेस्ट कर लें उंगली से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई इसके अंदर किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। लग रही है, कोशिश करें कि आप जब 6-8 घंटे के बाद जब आप देखें मैरिनेशन अच्छी हो गई है तो फिर आप उसका ज़रा सा नमक मिर्च सारी चीज़ों का टेस्ट कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो वरना अगर कम हो तो जो है आप उसके अंदर, मुझे इसके अंदर जैसे थोड़ी सी मिर्चें कम लगी थी चिकन टिक्के में, मैंने इसके अंदर थोड़े से स्पाइस, थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च ऐड करी थी और नमक थोड़ा सा बाद में और ऐड किया था, ताकि जो है आपका नमक मिर्च अच्छे से अंदर से जज्ब हो जाए। इस तरह से हम लगाएंगे। और ये जो इसका मसाला है, थोड़ी थोड़ी देर में इसको लेके इसके ऊपर लगा देंगे। कट अच्छे से लगा लें वरना बाद में कट लग, इसलिए कि ताकि अंदर तक जज्ब हो जाए। देखें इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, अब यकीन माने बस दिल चाह रहा है ऐसी खा लो, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे, आप चाहें घी लगाएं, ऑयल लगाएं, जो आपकी मर्जी ब्रश से। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है ये। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये देखिए अब हम बीफ पोटी लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है इसलिए। बीफ का भी ये है कि जब आप 4 से 5 घंटे गुजर जाएं तो आप इसको, बाकी आप चिकन और तो आप फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें मैरिनेट करके, लेकिन बीफ को जब आप पपीता लगाते हैं तो हम इसको बाहर ही रखते हैं कवर करके 8 से 10 घंटे के लिए। जब हम देखते हैं कि ये गलने लगा है फिर इसको उठा के फ्रिज में रख देते हैं, वरना आप डायरेक्ट फ्रिज में रख देंगे पपीता लगा के तो उसकी जो गलने का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, वहीं के वहीं रुक जाएगा और बीफ गलेगा नहीं। देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे बारबेक्यू बन के तैयार हुए हैं, यकीनन आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, बहुत मज़े के बने हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। वीडियो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट वॉच किया करें फिर सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।